हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, चलिए लास्ट टॉपिक हम लोगों ने द नेशनलिज्म इन यूरोप में रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था ग्यूसिपे मेजिनी। मेजिनी के बारे में मैंने बताया था कि वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने कार्बोनरी का, और उन्होंने कई सारे एक्टिविटीज में वहां भाग लिया, मगर उन्हें इटली से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें इटली से देश निकाला दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना करी, यंग यूरोप और यंग इटली की। मेजिनी के एक्टिविटीज पर ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कमेंट करा था कि वो सोशल ऑर्डर का एक बहुत बड़ा एनिमी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1815 में जो कंजर्वेटिव रूल की शुरुआत हुई, इसके खिलाफ रिवॉल्यूशनरीज लोग एक्टिव तो थे ही, मगर सबसे पहला जो बदलाव, सबसे पहली जो शुरुआत हुई, वो हुई फ्रांस से। कैसे, तो समझिए। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये हमारा टॉपिक है। 1830 to 1848, द फर्स्ट अपहेबल टू प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में। फ्रांस में वो जो बर्बन डायनेस्टी को वहां पे पावर में स्टोर करा गया था ना, उस बर्बन डायनेस्टी को वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया, और उस बर्बन डायनेस्टी के बदले वहां पर एक नई पावर आई। ठीक है, ये जो नई पावर स्टोर हुई ना, उसका इसे कंजर्वेटिव मोनार्की के बाद ये जो नई पावर आई लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, जो नई पावर इंस्टॉल हुई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और इसके हेड थे लुइस फिलिप। अब इन यहां पे फिर ऑस्ट्रियन चांसलर का एक टिप्पणी है, एक रिमार्क है। अब उन्होंने फ्रांस के घटनाक्रम पर एक रिमार्क किया मेटरनिक के बारे में, सॉरी मेटरनिक ने रिमार्क किया फ्रांस के बारे में कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होती है। तो है ना कमाल की बात। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो भी घटनाएं हुई या जो भी आप देखो, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट फ्रांस से हुआ है, इसलिए इन्होंने इस पर ये रिमार्क करा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंट, दरअसल एज ए कंट्री हम उसे ग्रीस बोलते हैं, वहां के लोगों को ग्रीक कहा जाता है, वहां का लैंग्वेज भी ग्रीक है। ये जो कंट्री था ना, इस कंट्री में यहाँ के लोगों ने तो भाग लिया ही। नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज गॉट सपोर्ट अदर ग्रीक्स, जो वहां के उस देश के लोग जो बाहर थे, उनका भी सपोर्ट उनको हासिल हुआ, और यूरोप के कई सारे और देशों का सपोर्ट हासिल हुआ। क्यों हासिल हुआ? बिकॉज कि कई सारे पोइट्स और आर्टिस्ट कहते थे कि ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, उनका कहना था कि ग्रीस जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रैडल है, मतलब पालना है, यानी कि यूरोप की सभ्यताएं ग्रीस से निकली है। द ब्रिटिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेज टू फाइट इन द वॉर, एक ब्रितानी पोइट थे जिन्होंने तो फंड इकट्ठा किया और वो खुद लड़ाई के मोर्चे पर चले हुए गए। एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुंतुनिया की संधि के बाद ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। तो इस टॉपिक में हमने रिवॉल्यूशन की शुरुआत के बारे में पढ़ा, फ्रांस में 1830 के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ये टॉपिक को मैंने इस हिसाब से लिख दिया है कि आप इसको उतार लीजिए, तो ये आपका एक नोट्स हो जाएगा इंटरनल टॉपिक का। चलिए इसको उतारिए आप लोग। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है 3.1 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक में, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये टॉपिक है हमारा। दरअसल जब हम कोई एक बड़े बदलाव की बात करते हैं, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है क्या, तलवार के बल पर या युद्ध के बल पर या टेरिटरी का एक्सपेंशन के बल पर ही हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक एटसेट्रा। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिसिज्म क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, इसे हिंदी में कह सकते हैं रुमानीवाद, जहां पे तलवार के बल पे नहीं, लड़ाई के बल पे नहीं, बल्कि कला के द्वारा, आर्ट के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, ओपेराज के द्वारा,
या लिटरेचर के द्वारा भी देश के लोगों को कलेक्टिव किया जा सकता है, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाई जा सकती है। तो बच्चों तो ये अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो एक्चुअली इनके आइडियोलॉजी क्या होती है, दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर पास्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें हिंदुस्तान के लोगों को कलेक्टिव करना होगा तो हमें लोगों को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बताते हैं कि हमारा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा, इंडिया का सिविलाइजेशन इतना पुराना रहा। तो उसी तरह से कुछ ऐसी चीजों के थ्रू, कुछ ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू इसको कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करी गई। इसमें एक जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड का नाम आता है, जिन्होंने तो कहा कि जर्मन कल्चर तो एक्चुअल में जर्मनी के आम आदमी में ही डिपेंड करता है। उसी तरह से कार्ल कुरुपिंस्की नाम के कैरेक्टर रहे पोलैंड में, जिन्होंने ओपेराज, म्यूजिक्स, फॉल्क डांस, इन सब के थ्रू जो है लोगों में नेशनलिज्म फीलिंग लाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आपको मैंने दो पर्सनैलिटीज के बारे में बताया, एक जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड, कार्ल कुरुपिंस्की, इन दोनों की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या थिंकिंग थी, ये भी मैंने समझा दिया आपको। रोमांटिसिज्म क्या चीज है इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और नेशनलिज्म डेवलपमेंट कैसे होता है कल्चर के थ्रू, ये भी मैंने लिख दिया है। और आई थिंक आप लोग इसको समझ भी चुके हैं, आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको जो बताया उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताया कि आर्ट के थ्रू, कल्चर के थ्रू, ओपेरास के थ्रू, और फिर मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बताया, मैंने कार्ल कुरुपिंस्की के बारे में बताया और जर्मन फिलोसफर के बारे में बताया। इन सब चीजों के अलावा लैंग्वेज यानी कि भाषा, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। बिल्कुल सही आपने सुना कि लैंग्वेज यानी कि भाषा भी राष्ट्रवाद के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इंपोज्ड एवरीवेयर। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1815 के बाद जो नए सिरे से बाउंड्रीज तय हुए थे उसमें पोलैंड पर रशिया का कंट्रोल हुआ था। रशिया ने क्या करा कि पोलैंड के ऊपर, पोलैंड के लोगों से पोलिश लैंग्वेज को हटा के जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज थोपना उनके ऊपर शुरू करा। पोलिस इन पोलैंड मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। तो पोलैंड में पादरी वर्गों को ऐसा लगा कि क्यों ना लैंग्वेज को, भाषा को एक इंपॉर्टेंट हथियार के तौर पे बनाया जाए। अगर हम लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट हथियार के तौर पे बनाते हैं तो हम इससे भी राष्ट्रवाद को जगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो जो चर्च के पादरी थे उन्होंने ना चर्च का जो स्पीच का लैंग्वेज था पोलिस में देना शुरू करा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पोलिस वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पोलिस लैंग्वेज का इस्तेमाल चर्च के गैदरिंग्स में और अदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में होने लगा। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट अप इन जेल। लेकिन रशिया ने इन पादरियों को, इन बिशप्स को, इनको उन्होंने अरेस्ट किया, इन पे मुकदमा चलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। और जेल में तो डाला ही, पनिशमेंट के तौर पे कई सालों को तो साइबेरिया भी भेज दिया गया, कई सारे लोगों को, कई सारे पादरियों को साइबेरिया के जेल में भेज दिया गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोलिश लैंग्वेज को किस तरह से वहां के लोगों ने एक सिंबल, एक हथियार, एक वेपन के तौर पे नेशनलिज्म को जगाने का काम उन्होंने किया। चलिए अब इन छोटे 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 नेशनलिज्म मूवमेंट के बाद अब हम चलते हैं एक बड़े मूवमेंट की ओर जो हमारा इंतजार कर रहा है, वो है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी कि जर्मनी का एकीकरण। लेकिन उससे पहले, जर्मनी के एकीकरण से पहले एक चीज और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक यूरोप में 1834 के समथिंग, 1834 के आसपास, या कह सकते हैं कि 1830s के आसपास, अचानक से यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। यूरोप की इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वहां पे इकोनॉमिक हार्डशिप हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछता भी है कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट क्यों हुए यूरोप में। तो बच्चों 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप होने का जो पहला कारण था वो था इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि।
दूसरा था रूरल पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू यूरोपियन सिटीज और टाउन्स, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर माइग्रेशन करना। तीसरा टॉपिक था कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ मशीन मेड गुड्स। अब यूरोप के बाकी देशों के बाकी शहरों के लोगों को कंपटीशन मिलने लगा ना, जब ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहां की जो सस्ती चीजें थी वो अन्य देशों को और देशों को परेशान करना शुरू कर दिया, खास करके फ्रांस जर्मनी वगैरह देशों को। पीजेंट्स स्ट्रगल, बैड हार्वेस्ट, किसानों के सामने समस्याएं थी, फसलें खराब हो गई, फूड प्राइसेस हाई हो गया, तो ये सभी कारण थे जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 1834 में हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट रहा। तो ये दो क्वेश्चंस आपके क्लियर हुआ, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हाउ यू कैन से दैट लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू अवेकन द नेशनलिज्म। और दूसरा क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट जो है वो यूरोप में 1830s में क्यों रहा। आप इन दोनों ही आंसर को जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने आपको बताया कि 1830s में यूरोप में हंगर, हार्डशिप क्यों बढ़ा। तो लोगों का गुस्सा जो था वो तो बढ़ ही रहा था। एक क्वेश्चन आता है बच्चों एनसीईआरटी में, आपका वो जो टॉपिक है ना उसके नीचे है, उससे जो ये क्वेश्चन निकलता है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, व्हाई डिड द वीबर्स इन सिलेशिया रिवोल्ट इन 1845, 1835 में सिलेशिया प्रांत के जुलाहों ने, वीबर्स ने विद्रोह क्यों किया। इन 1845 वीबर्स इन सिलेशिया, 1845 में जो सिलेशिया प्रांत के वीबर्स थे उन्होंने विद्रोह क्यों किया। एंड बिकॉज की जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स से ये रॉ मटेरियल लेके माल सप्लाई करते थे, देते थे, लेकिन इनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए वाजिबन वो मिल नहीं रही थी इनको, इसलिए इन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया। 4 जून 1845 को बड़ी संख्या में ये लोग गए और सड़कों पर निकले, इन्होंने इनको विरोध किया और खास करके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जुलूस भी निकाला। तो ये एक 3 मार्क्स का या मे बी 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डिड द वीबर्स इन सिलेशिया रिवोल्ट इन 1845। तो इसको आप लोग उतार लेना, विरोध का कारण सीधा सा बात है कि जो ठेकेदार थे वो ठेकेदार इनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम तो दे देते लेकिन इनको समय पे वाजिबन जो इनकी मजदूरी होती थी वो मिलता नहीं था इन्हें। चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक हार्डशिप से आगे वाले टॉपिक बढ़ते हैं। अब हमारा इंतजार कर रहा है द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी के यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको 1848 के कुछ एक्टिविटीज को समझना होगा। दरअसल जब मिडिल क्लास अवेयर हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 ए रिवॉल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जब अवेयर हुआ, जब जागरूक हुआ तो रिवॉल्यूशन हुई यूरोप में। जर्मनी में क्या हुआ ना कि जर्मन रीजंस के बड़ी संख्या में मिडिल क्लास प्रोफेशंस, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस, इन लोगों ने ना क्या किया, इन लोगों ने एक ना इलेक्शन कराया और इलेक्शन करा के ये सभी क्या किए ना, फ्रैंकफर्ट एक सिटी था वहां पे इन्होंने इलेक्शन कराया और इन्होंने ना ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना की। अब ये सभी जो लोग चुन के आए, ये सभी लोग एक जुलूस बनाते हुए, मार्च करते हुए ये लोग पहुंचे। कहां पहुंचे? इन लोगों ने एक टेम्पररी पार्लियामेंट बनाया था, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये 18 मई 1848 की घटना है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि सेंट पॉल चर्च को ही बना दिया गया था, सेंट पॉल चर्च को। वे वहां जाते हैं, दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू जर्मनी। वो चाहते हैं कि एक नया संविधान बनाया जाए और जो उस समय प्रशा का किंग था, उस समय जो प्रशियन किंग थे, तो प्रशियन किंग यानी कि उस समय प्रशा के किंग थे फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम को उन्होंने, इन लोगों ने प्रपोजल दिया, ये जो इलेक्टेड लोग थे, कि आप हम लोगों को लीड करो और जर्मनी के यूनिफिकेशन को पॉसिबल बनाओ। लेकिन उन्होंने इनके जो डिमांड थे उसको ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि इस विद्रोह को कुचल दिया, क्योंकि उसके और जो नेबरिंग प्रांत के जो राजा वगैरह थे उन्होंने इसको कन्विंस कर दिया कि अगर आप इनकी बातों को मानोगे तो धीरे धीरे फिर आपको ही सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो खैर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये रिजेक्ट इन्होंने किया, लेकिन ये 1848 में जर्मनी के यूनिफिकेशन की दिशा में एक पहला कदम है, या इसको आप एक माइलस्टोन भी कह सकते हो। तो ये 1848 का जो इवेंट है इसको आप उतार लो इधर में,
और वाई डिड द वीबर सिलिशिया रिवॉल्ट इन 1845, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन दोनों को आप लोग उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जर्मनी के यूनिफिकेशन के टॉपिक में बिस्मार्क के और आगे के रोल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।